अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बड़ा खाना तैयार है सर। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, इसको बड़ा खाना कहा जाता है? जी बिल्कुल। तो बड़ा खाना कैसे, मतलब क्या कहेंगे? स्पेशल ओकेजन्स के ऊपर, स्पेशल ओकेजन्स के ऊपर जब यूनिट का कोई भी स्पेशल ओकेजन होता है या हमारा कोई इस्लामी त्यौहार होता है तो हम बड़ा खाना, हमारी एक रिवायत है, फौजी रिवायत है। बड़े खाने के ऊपर अभी हमने अपने जवानों के अलावा भी जो हमारी यहीं लोकल शोहदा की फैमिलीज हैं वो सब लोग भी साथ जमा किए हुए हैं ताकि इस खुशी के मौके पे वो भी हमारे साथ खुशियों में शरीक हों। जिस तरह पहले पूछ रहे थे लोकल कम्युनिटी के साथ, तो वो क्योंकि हमारा ही पार्ट एंड पार्सल हैं तो इस वजह से हर ईद के ऊपर, हर इस त्यौहार के ऊपर हम उनके साथ लाजमी। और जो पोस्ट के ऊपर जवान मौजूद होते हैं उनको वहाँ पर ही खाना सर्व किया जाता है और वो ईद की नमाज भी नहीं पढ़ते, सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं वहाँ पर, और उनको जाके सीओ या फिर यूनिट कमांडर होगा वो जाके मिलता है। बिल्कुल वहाँ पे बड़ा ये जो ईद की नमाज़ है ये बिल्कुल नहीं होती। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के उसके बाद कुरान खानी करते हैं और उसके बाद वहीं पर हर पोस्ट के ऊपर हमारा कुकिंग का, राशन का, ये सारा हमारा पूरा एक सेटअप है जो हमने हर पोस्ट के ऊपर प्रोवाइड किया होता है। जाहिरी बात है कुछ थोड़ा सा रूटीन से थोड़ा सा हट के, ताकि रूटीन आपकी थोड़ी सी चेंज हो जाए, तो रूटीन से हट के भी चीज़ लाजमी कोई स्पेशल चीज बनती है जो आगे आपको जाके इंशाल्लाह टेस्ट करवाएंगे। तो अभी खाना स्टार्ट होगा जी, शोदा की फैमिलीज भी हमारे साथ हैं और उनसे भी हम बात करेंगे अभी, क्योंकि खाने का टाइम है और खाना स्टार्ट होता है, उसके बाद हम यहाँ बातचीत का सिलसिला जारी। प्लीज जी स्टार्ट करें प्लीज। ये हमारा बड़ा खाना है और मतलब प्रोसीजर है राशन के आने का, राशन की डिस्ट्रीब्यूशन का, उस लिहाज से वो सारा सेटअप जो है वो बना हुआ है, सर्दियों के लिहाज से अलग, गर्मियों के लहाज से अलग, और उसी में ये फंक्शन भी जो जी बिल्कुल आ जाती है वो स्पेशल उसी में ही कवर होते हैं। बिल्कुल, ये सब उसी के अंदर से मैनेज होता है। नायब सूबेदार एजाज हैं जी हमारे साथ इस बड़े खाने पर, यहाँ पर LOC के ऊपर पाक आर्मी के साथ जो हम ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं उसमें हैं, इनसे हम बात करेंगे। जी अपनी फैमिली से दूर आप यहाँ पर ईद ट्रुप्स के साथ बना रहे हैं और खाना भी खा रहे हैं, फैमिली याद आ रही है आपको? पाकिस्तान की फ़ौज है, इसमें अल्लाह ताला ने हमें मुंतखब किया है और ये हमारे लिए बैसे फ़ख्र है और हम पाकिस्तान पर और अपनी पाकिस्तान आर्मी पर और अपने आप फौजी होने पर हमें फ़ख्र है। पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पर बना तो उस हिसाब से हम मुजाहिद भी हैं और फैमिलियों से दूर, ठीक है, हमारा फ़र्ज बनता है कि जो हमारे साथी जिन्हों जो दूसरे जा सकते हैं हमने उनको भिजवाया है। अच्छा करना साहब, बताइएगा कि यहाँ मकामी लोगों के बारे में बताइए, कौन से भी ज़ाहिर ईद मिलते होंगे आप भी, वो भी आपके पास आते होंगे और आप लोग भी जाते होंगे? जो मकामी लोग हैं उनका आबाई इलाका है ये, लोग ईद मनाने हमारे साथ आते हैं, गहरा हमारा उनके साथ मेल जोल चलता रहता है, ईद मनाने के लिए वो हमारे पास आते हैं। हम ईद की खुशियों में अपनी जो फैमिलीज़ हैं, शोहदा की फैमिलीज़ हैं, हमारे जो लोग हैं जो कुछ चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, हम उनकी बिल्कुल मदद करते हैं, उनके घर में जाके उनके साथ चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं और उनके साथ बैठ के ईद भी मनाते हैं ताकि उनको भी अपना अपनाइत का एहसास हो हमारे से। अच्छा तो आप क्या फर्स्ट है क्या आपका, मेरे ख्याल में खाना होगा जवानों के साथ जो यहाँ पर मौजूद हैं आपके बटालियन हेडक्वार्टर में? जी उनके साथ खाना जी, नमाज के बाद हम बड़ा खाना, हमारी एक ईद मिलने के बाद हम बड़ा खाना ऑर्गेनाइज़ करते हैं जिसमें इस जगह के जितने सोल्जर्स हमारे जो सर्व कर रहे हैं उनके साथ मिलके हम खाना खाते हैं, फिर उसके बाद हम आगे पोस्टों के ऊपर जाते हैं। तो अभी आपको खाने की जगह पे लेके चलते हैं बड़ा खाना और बड़ा खाना आपको भी खिलाते हैं, ईद भी मिलते हैं।